पिछले मैच के एक्स्ट्रावेगेंजा से आपकी अगर सांस वापस आ गई हो, जितना रन स्कोर हुआ था पिछला मैच में उतना क्या इस मैच में होगा? शायद चले पिछली रिपोर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि क्या होने वाला है, बट इस मैच में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आपके पिच रिपोर्ट होंगे, क्या वेदर रिपोर्ट होंगे, कौन से प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, कौन से प्लेयर्स को आप पूरी टीम में रखेंगे, टीम 11 में किस प्लेयर को रखेंगे, आपकी टीम की बैलेंस कैसी होनी चाहिए, सब बात बताएंगे आपको डिटेल में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पसंद आए ना प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपके स्क्रीन पे एक लाल रंग का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएगा, फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, साथ में आप शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों के साथ। और कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये मैच जीत के ये सीरीज जीत लेगी, या फिर न्यूजीलैंड पलटवार करके ये सीरीज को ड्रॉ करेगी, फिर अगले मैच के लिए सीरीज डिसाइडेड रह जाएगा, वो आप कमेंट कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बात करते हैं इस मैच की, ये है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा मैच 21 जनवरी को दोपहर में 1:30 बजे खेला जाएगा, 1:30 बजे मैच शुरू होने का टाइम है, आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है, 1 बजे का, 1 बजे जब टॉस होगा ना, टॉस के बाद कुछ स्क्वाड में अपडेट्स कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हालांकि इस मैच में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कि पहले मैच से कोई चेंजेस करेगी दोनों टीमें, बट एकाध कुछ चेंजेस पिच कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, अब वो क्या कंडीशन है वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, तो आप जो है उसके लिए बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पसंद करते रहिए, अगर पसंद आए तो आप प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अब नोटिफिकेशन कहां से आएगा, यानी कि अगर आप मान लीजिए टीम में कुछ चेंजेस हो गए तो आपको पता कैसे चलेगा, हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, चिंता करने की बात नहीं, आपको कोई टैब रखने की जरूरत नहीं, हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, भाई साहब आपका जो है फाइनल स्क्वाड अपडेट आ चुका है, ये प्लेयर चेंज है, आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए अपने ड्रीम 11 की टीम में, ताकि कोई ऐसा प्लेयर ना रह जाए जो उस दिन मैच में नहीं खेल रहा हो, अब अगर वैसा आपने रख लिया तो आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपका नुकसान कम से कम करें और फायदा ज्यादा से ज्यादा करवा सकें। तो चलिए अब डेविड करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल नीचे देखिए एक लाइन है, लाइन में छोटे छोटे डॉट्स बने हुए, वो डॉट्स हर एक चैप्टर का निशानी है, आप उस डॉट पे क्लिक करके डायरेक्टली उस चैप्टर पे जा सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आप, वैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए, बाकी अगर आपके पास समय का थोड़ा अभाव है और सीधा आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कुछ, मतलब आवर फैंटेसी 11 डायरेक्टली देखना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली पिच रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं वहां पे उस चैप्टर पे क्लिक करके। बाकी टॉप फैंटेसी पिक्स यानी कि ऐसे 4 खिलाड़ी जो आपके अमूमन हर टीम में रह सकते हैं, अगर आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 या 5 टीमें बना रहे हैं तो आपके हर टीम में वो 4 खिलाड़ी रह सकते हैं, ताकि आप जो है, क्योंकि अब 4 या 5 टीम बना रहे हैं या फिर 10 टीम बना रहे हैं तो हर टीम का अलग अलग 11 बनाना तो पॉसिबल है नहीं, आपको 3-4 ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे जो कोर प्लेयर बन सकते हैं और हर मैच में आपको कम से कम एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने का मादा रखते हो, तो वैसे 4 प्लेयर कौन से, इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज, न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे और माइकल ब्रेसवेल, ये 4 खिलाड़ी जो है फिलहाल आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देने का मादा रखते हैं हर मैच में। बाकी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए और भी जितने डिटेल्स है पिच रिपोर्ट वगैरह आपको सब मिलेगा, लेकिन इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा मैच का। अब इस मैच में क्या इंडिया जीत के सीरीज जीत लेगी या फिर न्यूजीलैंड कम बैक करेगी, बोलेगी होल्ड ऑन हम फाइनल डिसाइडर खेलने में वाले हैं, मतलब 1-1 के साथ डिसाइडर में जाएंगे और वहां पर निर्णय लेंगे कि सीरीज कौन जीतेगा। तो इस उपलक्ष में आपको बहुत सारी चीजें जानने जरूरी है कि इस मैच में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, इस मैच में पिच रिपोर्ट कैसी है, तो सीधा चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ कि पिच रिपोर्ट कैसा है। अब वेन्यू जो है ये रायपुर का स्टेडियम है, इस ग्राउंड पे इस वेन्यू पे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा, जी हाँ पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ मैचेस खेले गए हैं आईपीएल के, फिर चैंपियंस लीग के या फिर रोड सेफ्टी सीरीज के कुछ मैचेस खेले गए, उसके अनुमान पे हम एक उसके अनुसार हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। जो मैंने मैचेस देखे हैं इस पिच पे खेलते हुए आईपीएल में हो जाए रोड सेफ्टी में हो जाए, तो मेरे हिसाब से जो एक विश्लेषण मैं कर सकता हूं वो ये है कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली ओवर द टॉप नहीं है, ये पिच जो है जैसे जैसे मैच खेला जाता है वैसे वैसे स्लो होती जाती है पिच, तो
स्पिनर्स जो है सेकेंड इनिंग्स में काफी कारगर हो सकते हैं, और बैटिंग जो है जैसे मैंने कहा बैटिंग फर्स्ट आपके लिए प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में पिच बहुत स्लो हो जाती है आपके लिए। मतलब बैटर्स जो टीम बैटिंग करेगी सेकेंड में, उनके लिए स्पिन को खेलना स्लो और लो रहेगी, उस समय डिफिकल्टी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी 90% तो चांसेस है कि वो टॉस जीत के जो है बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहेंगी, क्योंकि इस पिच पे बैटिंग सेकंड सेंस बनता नहीं है। अब कोई टीम का कप्तान जैसे हार्दिक पांड्या पिछले सीरीज में कर रहे थे, टॉस जीत के डेयरिंग दिखा रहे थे कि नहीं हम विपरीत करेंगे, इस जो भी कंडीशन है उसके ऊपर विपरीत करेंगे, अगर वैसा कुछ रोहित शर्मा करते तो अलग बात है, बाकी नहीं तो सेंसिबली जो है बैटिंग फर्स्ट ही लेना चाहिए, या फिर जो टॉम लेथम है वो भी बैटिंग फर्स्ट ही ले तो बेहतर रहेगा इस मैच के लिए खासतौर से। बाकी वेदर रिपोर्ट तो यहाँ पे ये कुछ खास इंपैक्ट नहीं गिराएगा, वेदर जो है मतलब समांतर है, पूरा मैच आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैच में। और बैटिंग रिकॉर्ड जो है 250 का यहाँ पे एवरेज एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वनडेज जो है बहुत कम, वनडे जो खेले नहीं गए, बाकी आईपीएल के स्कोर्स को देखते हुए अंदाजा, क्योंकि आईपीएल में स्कोर जो है 140-145 का एवरेज रहता है, तो अमूमन जहां पे इतने कम स्कोर देते हैं वहां पे 250-260-270 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है वनडेयर्स में। तो अब वो फैक्टर अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 250 से लेके 280 के बीच में का स्कोर देखने को मिल सकता है जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे। तो वो एक इस पिच का एक पूरा विश्लेषण है, होपफुल आपको इस पिच का विश्लेषण पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पिच रिपोर्ट निकालने में जहां पे कि मैच ही नहीं खेले गए हो अब, तो उस केस में अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब इस पिच रिपोर्ट का मतलब क्या है, जो भी टीम टॉस जीत रही है अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो आप उसके 6 या 7 खिलाड़ी को टीम में रख सकते हैं, बैटिंग सेकंड जो कर रही है उसके आप थोड़े कम प्लेयर ले लीजिए, और बैटिंग फर्स्ट जो टीम है उसके आप टीम में जो स्पिनर्स प्रोमिनेंट स्पिनर है, मान लीजिए इंडिया पहले बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो कुलदीप यादव जो प्रॉपर स्पिनर रहेंगे स्क्वाड में उनको तो आप टीम में रखे ही रखे, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप उनके इस सोनी या फिर मिचेल सैंडन को रखे ही रखे, ये आपके लिए एक टिप है अभी ही। बाकी अब आए यहाँ पे हेड टू हेड की तरफ, तो जो पिछले मैच में था लगभग वही है, बस एक मैच इंडिया जीती है, तो यहाँ पे जो 5 मैच हारने का स्ट्रीक था इंडिया का लगातार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो टूट गया, अब 1-4 का हो गया है, तो क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा या फिर न्यूजीलैंड वापस से ब्रेक लगा देगी, ये वाली देखने वाली बात होगी, हम देखेंगे मैच के बाद। लेकिन फिलहाल हम डाइव इन करते हैं अपने प्लेइंग 11 की तरफ। इंडिया की प्लेइंग 11 में हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल इस मैच के लिए, एक तो मैच जीत के आ रही है, दूसरी बात अगर चेंज हुआ भी तो मे भी युजवेंद्र चहल, हालांकि वो भी पॉसिबल नहीं कि वाशिंगटन ऑलरेडी अवेलेबल है, कुलदीप यादव ऑलरेडी अवेलेबल है, तो शायद वो चेंज ना ही हो, बट अब देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कुछ चेंजेस हुए अगर होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे ऐप के थ्रू, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट जाइए और डाउनलोड कीजिए भाई साहब और एंजॉय कीजिए। चलिए ये जो है 11 जो पिछले मैच में खेली थी वही सेम 11 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में भी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, चारू ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, ये जो है 11 खेलने वाली है इस मैच में भी, यही एक्सपेक्टेड है। प्लेइंग स्टाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच का इस फॉर्मेट में, चाहे ओडीआई हो चाहे लिस्ट हो, उसको मिला के आपको ये सारे एवरेज फैंटेसी पॉइंट पिछले 10 मैचेस के, रन्स 5 और विकेट्स 5 तो दिए हुए हैं। अगर आपको ये स्क्रीन में देखने में ब्लर दिखाई दे रहा है, फिर कुछ असुविधा हो रही है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल का है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा लिंक जो है इस पीपीटी का है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं एकदम फुल एचडी क्वालिटी में। चलिए ये तो हो गए इंडिया 11, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की 11, इसमें भी हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इन्होंने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला पिछले मैच में, खासतौर से माइकल ब्रेसल ने ऑलमोस्ट जिता दिया था इनको, बस वो लास्ट हर्डल जो है वो पार नहीं कर पाए, बस उतना ही रह गया था, बाकी 11 जो इनकी ऑलमोस्ट सेटल्ड है यही खेलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में भी। फिन एलन, डेवन कॉनवे, हेनरी निकल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, डेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंडल, हेनरी शिपली, रॉकी फर्गसन, ब्लेयर टिकनर, ये जो है आपकी 11 यहाँ पे होगी। इनके पास तीन ऑप्शन है स्पिन के, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंडल, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कोई और चेंज शायद मिले ना, एक चेंज हो सकता है, इस सोनी जो है वापस टीम में आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ मे बी
किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पे शायद हेनरी शिपली या फिर में से किसी एक को थोड़ा सा शायद रेस्ट देके या फिर क्योंकि पिच कंडीशंस जो कह रहे हैं वो स्पिनर्स के लिए सूटेबल ज्यादा है तो शायद वो एक चेंज हो सकता है, बाकी और कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये 11 एंटी, बाकी आपको प्लेइंग स्टाइल एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स रन और विकेट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बढ़ते हैं प्लेयर्स हेड टू हेड की तरफ, तो प्लेयर्स हेड टू हेड यानी कि प्लेयर्स के बीच में मुकाबला या फिर मुकाबला कैसा है वो देख लेते हैं। विराट कोहली बनाम इस सोधी, अब जैसे मैंने कहा इस सोधी शायद इस मैच में वापस खेलने के लिए आ सकते हैं क्योंकि पिच स्पिनर्स की स्पिनर्स फ्रेंडली है तो वो एक चेंज में भी कर सकती है न्यूजन, अगर वैसा हुआ तो विराट कोहली को थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब बॉल्स जो है 73 दिए किए उन्होंने और 79 ओवर रन बनाए हैं, आउट 3 बार कर दिया है तो इस सोधी थोड़ा बहुत परेशान करते हैं विराट कोहली को। उसके बाद रोहित शर्मा बनाम मिचेल सैंडनर, अब मिचेल सैंडनर ने 68 बॉल किए 55 रन दिए और आउट 2 बार किया है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 80 का है रोहित शर्मा का इनके अगेंस्ट, तो वो भी एक परेशानी का सबब बनते हैं खासतौर से इन दोनों बल्लेबाजों को स्पिन से लेटली थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। अब हार्दिक पांड्या बनाम मिचेल सैंडनर, हार्दिक पांड्या जो है वो मिचेल सैंडनर के अगेंस्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, 51 गेंदों में सिर्फ 29 रन बनाए, 51 गेंदों में सिर्फ 29 रन, 56.9 के स्ट्राइक रेट से आउट 4 बार बची, 4 बार आउट हुए हैं। तो हार्दिक पांड्या और मिचेल सैंडनर का जो मुकाबला होगा उसमें मिचेल सैंडनर का पलड़ा बहुत भारी है। तो ये सब हमने आपको क्यों बताया ताकि आप जब टीम बनाए थोड़ा सा होशियारी दिखाएं, अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, एक टीम बना तो कोई बात नहीं आप ट्राई कर लीजिए किसी को भी, अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे तो आप सावधानी बरतिए, एक आध टीम में इन दोनों को अलग अलग रखिए, किसी एक टीम में आप हार्दिक पांडे को ट्राई कीजिए, दूसरी टीम में मिचेल सैंडनर को ट्राई कीजिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो सके एक टीम के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं टीम्स की, तो टीम्स की आप बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आपको टीम्स भी दिखाई देते हैं स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, ये ग्रैंड लीग के लिए नहीं है, ये है स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। अभी तक हमारा विश्लेषण अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करते हैं आवर फैंटेसी 11 स्मॉल लीग हेड टू हेड की, विकेट कीपर्स में टॉम लैथम, बैटर्स में डेविन कॉनवे, शुभमन गिल, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव, ये 4 बैटर्स आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंडनर या 3 ऑलराउंडर्स ट्राई कर लीजिए इस टीम में, खासतौर से ये दोनों तो आपको थोड़ा सा स्पिन भी प्रोवाइड कर देंगे। बॉलर्स में ब्लेयर टेक्नर, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, अब ब्लेयर टेक्नर और मोहम्मद सिराज तो बहुत अच्छे फॉर्म में है फिलहाल हर मैच में, अच्छा कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं, और कुलदीप यादव क्योंकि ये भाई साहब जब जब से वापसी की है तब से काफी घातक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और ये पिच तो खासतौर से स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली है तो आप इस पिच पे तहलका मचा सकते हैं। ये तो ये हमारी तरफ से 11 है बैलेंस्ड, आप एग्जैक्टली सेम कॉपी मत कीजिए, एक आध कुछ चेंजेस अपनी गट फीलिंग अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज कर ले, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए 4 ऑप्शन दे रहे आपको हम, डेविन कॉनवे, शुभमन गिल, माइकल ब्रेसवेल और कुलदीप यादव, ये 4 ऑप्शन है इस मैच के स्मॉल लीग हेड टू हेड के लीग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अब कैसे ट्राई करना है, मान लीजिए आप एक नहीं दो नहीं 3 या 4 टीमें या 5 टीमें बना रहे हैं तो उसमें आप एक टीम में ट्राई कर सकते हैं डेविन कॉनवे, शुभमन गिल को कप्तान वाइस कप्तान, दूसरे टीम में ट्राई कर सकते हैं शुभमन गिल और माइकल ब्रेसवेल को, तीसरे टीम में ट्राई कर सकते हैं डेविन कॉनवे और कुलदीप यादव को, ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए ताकि आपकी डिपेंडेंसी किसी एक टीम के ऊपर ना रहे, आप मल्टीपल टीम्स में खेलें और हर टीम का अलग अलग अपना जो है रुतबा रहे और आपको जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। बात करते हैं ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की और हेड टू हेड की बात हो गई, अब ग्रैंड लीग की बात करते हैं जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं दिल थामे हुए, चलिए अब वो घड़ी आ गई है। विकेट कीपर्स में हमने फिन एलन को ट्राई किया, फिन एलन जो है काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, अब पता नहीं इस पिच पे कितना विस्फोट करेंगे, अगर पहले बैटिंग आती है न्यूजीलैंड की तब आप इनको ट्राई कीजिए, अगर पहले बैटिंग नहीं आती है तब आप इनको ड्रॉप करके टॉम लैथम को ही रख सकते हैं अपने टीम में, ये एक चेंज आपके लिए पॉसिबल है। बाकी बैटर्स में डेविन कॉनवे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ये जो बैटर्स हैं आप ट्राई करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल, ये जो है आपके 3 ऑलराउंडर्स इस मैच में आप ट्राई कर लीजिए। बॉलर्स में हेनरी शिपली, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, ये 3 बॉलर्स आपके इस मैच में आप ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ एक चेंजेस पिच कंडीशंस के हिसाब से, जैसा मैंने कहा टॉस होने के बाद आप चेक कर लीजिए कौन सी टीम बॉलिंग सेकेंड करने वाली है, जो टीम बॉलिंग सेकेंड कर रही है उसके आप स्पिनर्स को जितने भी स्पिनर्स खड़े हैं एक दो स्पिनर का दोनों स्पिनर को आप ट्राई कर सकते हैं, अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है आप उसके आप बैटर्स देख लीजिए, टॉप ऑर्डर जो बैटर्स हैं ना उनको आप ट्राई कर लीजिए
कि बैटिंग फर्स्ट की प्रेफरेबल पिच है, तो आप बैटिंग फर्स्ट में जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसकी आप एक या दो एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिला सकते हैं अपनी टीम में, तो ये थॉट प्रोसेस आप दिमाग में रखिएगा। बाकी इनके कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन कौन से, ये स्पेसिफिक उस कंडीशन में अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिन एलन को आप ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव एक ऑप्शन बनते हैं, डैरिल मिचेल ऑप्शन बनते हैं और मोहम्मद फिराज एक ऑप्शन बनते हैं। ये चार ऑप्शन आपके लिए है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो। अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है तो आप फिन एलन को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, आप यहाँ पे किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हैं, वो एक चेंज है, या फिर आप माइकल ब्रेसल को वापस से ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप कंडीशन स्पेसिफिक पिच के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस थोड़ा बहुत फिक्स कर लीजिएगा, ये आपके लिए टीम भी है प्लस फैंटेसी टिप भी है, तो आप टिप्स भी फॉलो करें जरूर। और ये आपकी ग्रैंड लीग की टीम थी, एग्जैक्टली कॉपी मत करें, एक आध कुछ चेंजेस कर लीजिएगा। बाकी आपको टीम कैसी लगी वो कमेंट में बताइए, और आपकी टीम क्या होगी, आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे इस टीम में, वो भी कमेंट्स में लिख के भेजिए ताकि हम भी उसको देख सके और समझ सके कि हमारी ऑडियंस क्या सोचती है। चलिए ये तो गई ग्रैंड लीग की बात, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मान लीजिए 10 टीमें लगा रहे हैं 20 टीमें लगा रहे हैं, तो आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में ज्यादा टीमें लगाइए, ग्रैंड लीग में कम टीमें लगाइए। क्यों? क्योंकि स्मॉल लीग हेड टू हेड में जीतने का परसेंटेज है 50-70% और ग्रैंड लीग में जीतने का परसेंटेज है 0.01%, तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको किस में लगाना चाहिए। बाकी कॉन्टेस्ट वही खेलिए जो आपको सूटेबल लगता हो आपके बजट और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, आप किसी के दबाव मत आइए, हम बस सलाह दे रहे हैं, आप सलाह को मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी फाइनल सेगमेंट जाने से पहले कहूंगा कि प्लीज www.fantasyclick.com को चेकआउट करना मत भूलिएगा, इस पे आपको सारे टिप्स टीम्स 50-60 टीमें ड्रीम 11 के लिए, माय 11 सर्कल के लिए, हालत के लिए, केएमजी के लिए मिल जाएंगी, और प्लस फैंटेसी टिप्स, प्लेयर हेड टू हेड स्टैट्स सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो प्लीज चेकआउट कीजिए www.fantasyclick.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट करना मत भूलेगा। और इसी के साथ वीडियो का समापन होता है, मैं रौनक मार्केडिया अलविदा कहता हूं, नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर, बाय बाय।